चोरी चोरी तेरे नल लाल या अखा वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लाल या अखा वे ट्रेडर्स स्टेटन का हमारे स्टेट चलाने वो थिंकिंग के स्टेट से बाहर निकल जाने के बाद में पोजिशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, बट ठीक है ट्रेडर हमारा इस वक्त चलो इस वक्त का जो हमारा प्रॉफिट है 9000 अभी 10000 था 9900 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एंड स्टॉप लॉस भी हमने इसके अंदर जो लगा रखा है अपना स्टॉप लॉस 21045 पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 21235 पर हमारी एंट्री है। सो ट्रेड चल रहा है एंड क्यों हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया डे टाइम फ्रेम के लेवल्स के बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बट जिस तरह से हमेशा के वीडियोस होते हैं रोज़ के वीडियोस होते हैं सेम वैसा ही है, जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर टाइटन के अंदर हमने क्या देखा और रीज़न क्या है इसको ट्रेड करने का। देखिए मॉर्निंग में इस स्टॉक ने अपनी एक काफ़ी अच्छी रेंज का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया था। ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स हैं जैसे टाइटन के मेरे प्री डिफाइंड अपने ही लेवल से कुछ 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया और इसके ऊपर ये तो स्टॉप लॉस की लाइन हो गई है। बाकी तीन लाइन से जो अपसाइड की आप देख रहे हो ये मेरा एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट्स की लाइन है। आज वॉल्यूम्स के बहुत अच्छे ब्रेकआउट हमें टाइटन ने शो किए हैं। जब आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे इसको तो देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स आई हैं, बट इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस ने एकदम से एक गैप अप ओपनिंग दे दी। इस गैप अप ओपनिंग की वजह से हुआ क्या, एक कॉमन थिंकिंग क्या होगी आप ये सोचिए। कॉमन थिंकिंग के अकॉर्डिंग के प्राइस के अंदर गैप फिलिंग होनी चाहिए फर्स्ट थिंग, सेकंड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है ना, अगर कोई भी स्टॉक गैप अप या गैप डाउन कर रहा है तो कॉमन थिंकिंग क्या होगी, सभी लोग क्या सोच सकते हैं, या तो गैप फिलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग। प्राइस बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि आपको किस तरह से ट्रैप किया जाए, कैसे आप ट्रैप करोगे, किस तरह से प्राइस आपको ट्रैप करे, आप किस तरह से ट्रैप हो। मार्केट आपसे हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। यहाँ पर आज के दिन टाइटन को ट्रेड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी बिकॉज यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन ये वाला जो एरिया ये पॉइंट है ना, कल के भी वीडियो में हमने कहा था आपसे कि कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो वहाँ पर देख लो कि आपका डे टाइम फ्रेम का लेवल या कोई लोअर टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हो उसके पास में ही करो। अब जब इस एक पॉइंट पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या फिर 9:15 के नीचे क्या होगा, बहुत से लोग होते हैं कि जो 915 के लेवल के नीचे ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग की, एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे है, ये आपको दिखेगा डे टाइम फ्रेम के लेवल पर। अब डे टाइम फ्रेम पर हम लोग 7th of June से प्राइस को रीड करेंगे। देखिए 7th of June 2022 ये वाली कैंडल, देखिए यहाँ से हुआ क्या है, या इससे पहले आप एक ड्रॉइंग के थ्रू समझिए। कोई भी एक कैंडल, सिर्फ टाइटन नहीं, ये आपकी एक बड़ी सी कैंडल है जिसने की एक मदर कैंडल फॉर्म की और अंदर एक दो बेबी कैंडल्स हैं हमारी छोटी छोटी कैंडल्स। यहाँ से प्राइस करके आ रहा है बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है और इसके बाद में यहाँ पर देखिए जरूरी क्या हो जाएगा, एक तो ये कैंडल मदर कैंडल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हमारी वॉल्यूम के कन्फर्मेशन लेंगे और इस कैंडल को एक सिग्निफिकेंट पॉइंट हम मानेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स आपके फॉर्म होंगे 3, 4 या 5 हमें ये देखना है कि इन कैंडल्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कैंडल कौन सी हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा, आपको दिख जाएगा कि किस कैंडल पर प्राइस ने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया है, कौन सी वो कैंडल जिसके ऊपर प्राइस हमारे रिएक्ट कर रहा है। टाइटन के अंदर जो हमारी सेकंड वाली कैंडल है इसने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया है। कैसे, प्राइस नीचे की दिशा में आ रहा है बट इस कैंडल के नीचे की तरफ क्लोज नहीं हो पा रहा है, मतलब डाउन साइड को ब्रेक करके क्लोज नहीं दे पा रहा है। ये बार बार डाउन साइड की तरफ गिर रहा है बट प्राइस की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये कहीं ना कहीं हमारी रेंज लेवल के अंदर हो रही है। इस तरह से प्राइस मूव कर, क्योंकि ये वाली जो मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, प्राइस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और वो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, हमारी इस एक कैंडल के थ्रू। प्राइस क्या कर रहा है ना, एग्जैक्ट इसने यहाँ से अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया डाउन साइड की तरफ और सिर्फ प्राइस ने ही नहीं वॉल्यूम में भी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। ये तो उस दिन जिस दिन प्राइस ने ब्रेकआउट किया और फिर उसके नेक्स्ट डे भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली और प्राइस ने सीधे लो ब्रेक। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस कैंडल का सपोर्ट या जिस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए मार्केट ने इतना बड़ा मूव हमें दिखाया है, अगेन प्राइस जब इस पॉइंट पर हमें दिखती है तो यहाँ से क्या होगा, दो ही चीजें, या तो प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर जाए या तो फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाए। अब इसकी कन्फर्मेशन लेनी है हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर के। प्राइस ने आज क्या किया है कि हमारे इसी सपोर्ट को एक गैप अप के साथ, वॉल्यूम के साथ एक गैप अप किया मार्केट ने टाइटन के अंदर और प्राइस सीधे हमारा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इसने दे दी हमारे लेवल के ऊपर। इस बार ये वाली जो हमारी कैंडल इसके ऊपर जाकर के इसने ओपनिंग दी, हमें इसके लो का वेट करना है कि प्राइस जब मेरे लो पर आएगा ना तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। समझ पा रहे हैं, और आसान हो जाएगी जब हम लोग इसको, सेम चीजें हुई हैं, एक ये बड़ी सी मदर कैंडल वहां पर हमने 3 कैंडल स्ट्रॉक की थी, देखिए यहाँ पर भी प्राइस एक के बाद एक हाई को ब्रेक कर रहा है एंड हाई के ब्रेकआउट्स के बाद में 1, 2 और 3 हाई ब्रेक हो रहे हैं
और लो प्रोटेक्ट हो रहा है, मतलब एक अपर मूव हमको मार्केट दिखाने की कोशिश कर रही है, बट इसके बाद में प्राइस के अंदर लोस ब्रेक होने लगते हैं। सबसे पहला इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये वाला लो ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर प्राइस हमारी इस एक कैंडल को सिग्निफिकेंट कैंडल अगर हम माने कि इंपॉर्टेंट कैंडल अगर मानते हैं तो प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहे देखिए। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने हमारी इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट किया, प्राइस के अंदर के मूवमेंट्स देखिए कितने बड़े हो गए, वॉल्यूम्स भी आई, इसकी वॉल्यूम देखिए 16 की एंड 17 की वॉल्यूम देखिए। अगेन हमें वेट करना होगा कि प्राइस हमारा, अब ये देखिए लाइंस कुछ ज्यादा हो गई हैं, यहाँ पर अपने पास हम इस एक कैंडल को तुम करते हैं डिलीट, लेकिन इसको भी देखिए कि किस तरह से हमारी इस मदर कैंडल ने रिएक्ट किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक प्राइस रिट्रेस होने के लिए ये फिर से गिर गई नीचे की तरफ। अगेन जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है तो ये कहाँ से ये सपोर्ट ले रही है, हमारी सेंट्रल वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल। इस एक कैंडल के नीचे देखिए मार्केट ने जैसे ही क्लोजिंग की ये नीचे की तरफ गिर गई। अब मेरे लिए जरूरी क्या हो जाएगा कि ये वाला जो लेवल, ये वाला जो जोन है, हम इसी जोन को एक इंपॉर्टेंट जोन मानेंगे अपना। ओके एंड इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं चेंज, या फिर यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आइए। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को टच किया, क्योंकि अगर हमें टाइटन के अंदर शॉर्ट भी करना होता ना तो हम 915 को थोड़ा सा अवॉइड करके अपने इस वाले लेवल के नीचे हम शॉर्ट करते हैं। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखिए यहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई है, वॉल्यूम हमारी लगातार गिर रही है ना, लगातार वॉल्यूम्स, और जैसे ही प्राइस अपर लेवल पर जा करके इसने क्लोजिंग दी, यहाँ से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। वॉल्यूम गिर रही है और प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ, और इन ये जो कैंडल्स का जो पेयर बना है पूरा, इनको ब्रेक किया अपसाइड की तरफ। इस तरह से ये एनालिसिस थी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कहीं पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ये नहीं है अब अगर यहाँ पर भी आप अगर शॉर्ट कर देते 915 के चाहे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो शॉर्ट, लेकिन एक बार डे टाइम फ्रेम को चेक करो। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं और 2014 या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा 2088, ऐसा तो नहीं है कि हम शॉर्ट करें नीचे ही हमारे ये वाला लेवल रखा हो। तो या तो हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें अगर छोटा टारगेट है आपका, और नहीं अगर ये करना है तो आपको इन लेवल्स का वेट करना होगा, जब प्राइस हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करेगा ना तब आपको शॉर्ट करना है। देखते हैं क्या होगा, जरूरी नहीं है, देखिए ये अपनी एनालिसिस है, हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ आए और हमारा स्टॉप लॉस ले गए, तब क्या करेंगे हम, जाएगा स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन जो एनालिसिस करनी है उसके ऊपर बिलीव भी करना है। चलने देते हैं अपने से स्टॉक को, और कोई बड़ा सा मूव होता है, क्योंकि प्राइस देखिए अगर इस वाले लेवल के नीचे आया ना, अगर एंट्री पॉइंट के भी नीचे अगर ये आ गया तो स्टॉप लॉस तो जाएगा ही जाएगा, प्राइस और भी नीचे ये गिर जाए, तो इस स्टॉप लॉस को हम यहाँ लगा लें कोई मतलब नहीं बनता, स्टॉप लॉस जाएगा, चला जाएगा। प्राइस अगर हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे की तरफ आकर के अगर इसने सपोर्ट्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारी सेकेंड वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है, क्योंकि प्राइस ने जब इसके नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे आकर के देखिए क्लोजिंग दी है, तब प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा है, मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है और हमारी ये मदर कैंडल। और इसके पहले भी देखिए प्राइस ने हमारी सेम लेवल पर ही सपोर्ट लिया, ये पूरा का पूरा एक जोन है जिसको कि हम सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। स्टॉक को चलने देते हैं, ट्रेड चलने देते हैं अपना, और कोई बड़ा मूवमेंट होता है, अभी तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ी देर तक साइडवेज ही पड़ा रहेगा, पर कोई बड़ा मूव नहीं आता तो बहुत ज़्यादा चांस है कि साइडवेज ही पड़ा रहे, या हो सकता है कोई बड़ा प्रॉफिट भी हमें ना दिखा, कोई एक्शन हम इसके अंदर लेते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं आपको। इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है 6500 के अराउंड, वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो हो गया आज का दिन ख़त्म, एंड टाइटन के अंदर जो भी इस वक्त का प्राइस चल रहा है 2130 का चल रहा है, एंड जो प्रॉफिट चल रहा है अपना 6000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, 10000 के अराउंड हमें प्रॉफिट मार्केट ने शो किया था, बट हमारा जो टारगेट था 2150.25 का था, तो हमने टारगेट्स अगर आपने कुछ बुक नहीं किए, वेट कर रहे थे लास्ट टाइम तक, क्योंकि मार्केट ने देखिए क्या क्या है, अपने स्विंग्स को ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये किसी तरह की कोई कोशिश नहीं थी, मार्केट पूरी तरह से साइडवे है, देख रहे मॉर्निंग से अपने स्विंग्स को मार्केट प्रोटेक्ट कर रही है। ये लास्ट वाला भले ही, हाँ एक बार हमको लगा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती तो अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, बस वो हमें लगा ही था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस वक्त का प्राइस 2130 निकलते बाहर, मार्केट अब ख़त्म होने वाली है बहुत इत्मीनान के साथ। देखिए कोई भी ट्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, बाहर निकलना है, स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, तो बहुत इत्मीनान के साथ, ये अपना रोज़ का काम है, एक ही दिन का नहीं है। अभी शायद कुछ दिन पहले भी किसी वीडियो में हमने इस एक बात का जिक्र किया था आप लोगों से, बाहर निकलना ना आराम से निकलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी हमने कहा ना एक दिन का काम नहीं अपना कि जल्दी 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 बटन दबा दिया, ऐसे अपने मोबाइल में क्लिक कर दिया और निकल दिया, ये सब नहीं करना है। चुपचाप कहाँ पर आपको एग्जिट करनी, लिखिए प्राइस को, टाइप कीजिए, वहाँ पर अपनी लाइन पुटअप कीजिए और आराम से वहाँ पर निकल, हो सकता है एक दो पॉइंट्स का लॉस हो, बेयर करिए उसको, लेकिन ट्रेड में एग्जिट या फिर एंट्री करते वक्त हमेशा सुकून होना चाहिए, दिमाग में हमेशा एक शांति होनी चाहिए, वरना हो सकता है जल्दबाजी में आपको कभी 1-2 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसी वजह से लॉस जब होगा ना तो बड़ा लॉस होगा। जल्दी निकलते हैं वरना हमको भी लॉस हो जाएगा यहाँ पर।
प्राइस हमारा 2130 का है और 2132 20 है 25 लीजिए एग्जिट पोजीशन बुक 6199.70 का प्रॉफिट हमारा। तो ऐसे सारी पोजीशंस अपनी स्क्वायर ऑफ हो चुकी हैं एंड ओवरऑल आज का जो प्रॉफिट है अपना 6000 के अराउंड प्रॉफिट है, चलेगा। देखिए कल हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना 20000 के अराउंड प्रॉफिट था, एक ट्रेंडिंग मार्केट में मिली थी, एक अच्छी तरह से हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट ठीक है थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो ये भी हमारी शुरुआत ही है, क्योंकि हम बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर हम बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते तो हो सकता है कि हम स्टॉक्स के अंदर ना बैठे होते, हम फॉरेक्स में काम कर रहे होते। कभी कभी हम ट्रेड करते हैं लेकिन हमारा पूरा फोकस स्टॉक्स पर होता है। तो अभी इसके आगे बहुत बड़ी मार्केट पड़ी है, तो शुरुआत है जस्ट स्टॉक हमारी। इसके बाद में क्या हो सकता है, स्टॉक के फ्यूचर पर जाएं, फिर डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। फॉरेक्स मार्केट पड़ी है, करेंसी मार्केट पड़ी है, कमोडिटी मार्केट पड़ी है, डेरिवेटिव्स, बहुत सारी मार्केट्स हैं ट्रेड करने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है, आने वाले समय में इन सभी मार्केट्स के अंदर हम धीरे 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 करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, सब आपके सामने। ओके चलिए, फिलहाल आज का जो मार्केट थी, जो मार्केट की कंडीशन थी, 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर के हम बाहर हैं एंड ठीक सेटिस्फाई मार्केट हमको लगी, क्योंकि लगभग ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो एक साइडवे मोमेंटम ही हमें मार्केट में शुरू किया। आप निफ्टी को देख लो, ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स हैं, मार्केट यहाँ से गिरी फिर ऊपर। तो आज किसी तरह की कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन हमने आज नहीं की, क्योंकि लग रहा था कि एक्सपायरी है, साइड भी हो सकता है। ओके तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड आई होप कि आज के वीडियो से कुछ ना कुछ आपने सीखा जरूर होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक्स एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉर्निंग में कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो होंगे तो वहाँ पर हम रिकमेंड कर देंगे आप लोगों को, स्टॉक सिलेक्शन या फिर लेवल आइडेंटिफिकेशन की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे हम कि कम हो अपने ग्रुप के माध्यम से। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।